मन काबू में ही नहीं है। देखिए कह रहे हैं मन काबू में नहीं है, कोई एक डांस नहीं, सारे डांस हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो लोग राम धुन में मस्त हैं, राम धुन में मगन हैं। यही हाल हमारे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद है जिन्हें निमंत्रण मिला है, वो जा रहे हैं राम मंदिर। मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए हैं आप, आपको भी निमंत्रण मिला है? हाँ, मिला निमंत्रण। अच्छा, कितनी देर तक आप अंदर रहने वाले हैं? जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझते हैं, हम समझते हैं, हम समझते हैं। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमें लोग मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए बेहद उत्साहित है पुलिसकर्मी, हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिन्हें निमंत्रण मिला है, न्योता मिला है, वो लोग पन्ना यादव यहाँ पर आई हैं हनुमान जी के दर्शन करने, उन्हें भी राम जन्मभूमि यानी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। अपर्णा जी दर्शन कर लिए हनुमान जी के? जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत दर्शन हो गए भगवान। क्या कहेंगे इस पल के लिए आप? मुझे लगता है सब भारत के लोगों के लिए ये अत्यंत जो है गौरवान्वित होने का एक विषय है, और मुझे आज बहुत खुशी है कि राम जन्मभूमि में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत दिन है। आप भी दर्शन करने आए हैं दोनों सपत्नी, दोनों परिवार के साथ हैं। लेकिन शिवपाल यादव जी का बयान था कि जो गोली चलाई गई थी कार सेवकों पर, वो संविधान के कानून की रक्षा के लिए चलाई गई थी। राजनीति में होने और राजनीति कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हनुमान जी के मंदिर में तो दिया जा सकता है ना? हनुमान जी यहाँ भी चली थी गलियों में। मैं समझती हूँ कि समस्त जो है जो भी चीजें हुई हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से सब अच्छी हो गई हैं, और अब हमें भारत को जो है हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से कैसे जो है और अच्छे से भारत को और विभूषित किया जा सके, इस पे हमें। अंतिम सवाल अपर्णा जी, हनुमान जी के मंदिर में आपने दर्शन किए हैं भगवान राम के, उसमें जाएंगे, क्या लगता नहीं कि जो हुआ जहाँ पर जो रक्त बहा उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों को? देखिए जिसको माफ़ी मांगनी है नहीं मांगनी है, हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते भी नहीं दर्शन, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं मेरे भगवान राम इष्ट हैं, और हनुमान जी सरकार सबको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, प्रेरित करें कि अच्छा काम करें। लेकिन अखिलेश डिंपल प्रेरित नहीं हो रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि सब लोग भगवान के लिए, हनुमान जी सरकार जो सबको आशीर्वाद दें और सद्बुद्धि दें। अपर्णा यादव कह रही है जो दर्शन करने नहीं आ रहे सीधा सारा अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तरफ है कि जो जी यतेंद्र यहाँ अब ये सब बड़े बड़े लोग तो आ ही रहे हैं जी जी, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात आ रही थी, आपके दिमाग में कोई बात है तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूं। नहीं पहले आप, ठीक है। तो पहले मेरा ये सवाल ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि वो समय क्या होगा जो 12:29:08 पर है, तो वो होता क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो भगवान के मस्तक पर वो जो आंखों पर जो कपड़ा है पीला वस्त्र, वो हटाया जाएगा जी जी। फिर उन्होंने कहा कि काजल लगाया जाएगा। हरिनारायण आचार्य जी इनसे ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल, तो महाराज जी वो विधि क्या है कि काजल लगाना और शीशा देखना और फिर तिलक और फिर महाआरती, वो क्या विधान है बताइए जी। इसलिए भगवान को मूर्ति नहीं कहा गया, भगवान का श्री विग्रह होता है, और मूर्तियां बनाते समय जो मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं वो मूर्ति बनाते नहीं है, वस्तुतः भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें इधर उधर का लगा हुआ पत्थर हटा देते हैं तो भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वाह। और दूसरी बात, देखिए मंत्री सूर्य प्रताप शाही सब जगह जा रहे हैं, खुद से निरीक्षण कर रहे हैं, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी उन्होंने पुलिस वालों से बातचीत की, ये दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ पर हम मौजूद हैं। सूर्य प्रताप शाही, अब से पहले आपने अमित के कैमरे पर देखे होंगे, अमित आपको दिखा रहे थे कि वो कैसे जायजा ले रहे हैं, और अभी है उनका काफिला, कैसे वो निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, खुद से ये निरीक्षण उनकी ओर से किया जा रहा है। ये देखिए उनका काफिला, ये सभी निरीक्षण उनकी ओर से खुद से किया जा रहा है कि कहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं हनुमानगढ़ी, क्योंकि जितने भी वीवीआईपी आ रहे हैं जिन्होंने पहले राम मंदिर में दर्शन नहीं किए वो हनुमानगढ़ी आकर दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद में राम मंदिर जाएंगे। ये तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है यहाँ तैनात है, यतेंद्र हनुमानगढ़ी के अंदर मौजूद है और मैं हनुमानगढ़ी के द्वार पर मौजूद। और मधु में घृत में वह डुबोई जाती है वह, और उसके बाद में फिर जब पूरी तरह से अब श्री विग्रह ये तैयार हो चुका है कि भगवान के अब आने लायक वह घर हो गया है, तैयारी है, तब उसके लिए फिर
उसमें न्यास होता है और न्यास करके अलग अलग, ये नहीं केवल एक मंत्र पढ़ दिया गया, मनो ज्योतिर जुगता मज बृहस्पति आदि जो मंत्र है उसके वो पढ़ दिया गया तत्काल आ गए प्राण, ऐसा नहीं, अलग अलग अंगों का उसमें आवाहन होता है, नेत्रों का आवाहन होता है, मुख का आवाहन, प्राण का, धमनियों का, नाड़ियों का आवाहन, ये एक बहुत लंबी विशेष है, विशेष रूप से जब भगवान मुहूर्त में, विशेष मुहूर्त में अभी नेत्रों से ही व्यक्ति की शक्ति, उसकी एनर्जी, उसका जो पावर है वो नेत्रों से ही दिखता है, इसलिए सबसे प्रमुख अंग नेत्र ही माना गया है। इसलिए देवताओं के, भगवान के यहाँ जब आरती होती है, पूजा होती है, तो भगवान के यहाँ नेत्र बंद